जैसे पानी में तैरता पत्थर बना क्षेत्र की आस्था का केंद्र, चमत्कार देखने लगा लोगों का जमावड़ा। गंगा नदी में दिखा राम सेतु जैसा पत्थर, पानी में पत्थर तैरता देख ग्रामीण हैरान। पानी में तैरते पत्थर को देखने के लिए लोगों का लगा तांता। पानी में तैरते पत्थर की लोगों ने की पूजा अर्चना शुरू। 15 इंच लंबे पत्थर को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। फरीदा बांगर से गुजर रही गंगा नदी में मिला तैरता पत्थर। बुलंदशहर से खबर, पानी में तैरता पत्थर बना क्षेत्र में आस्था का केंद्र, चमत्कार देखने के लिए लगा लोगों का जमावड़ा। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए 9 नवंबर को बैठक। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कर्मचारियों की समस्या होगी हल। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास की अध्यक्षता में होगी पहली बैठक। योजना भवन में बुलाई गई समिति की बैठक। कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण के लिए 9 नवंबर को बुलाई गई बैठक। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कर्मचारियों की समस्या होगी हल। समस्या निस्तारण के लिए सरकार ने 4 सदस्य की खबर खगड़िया से।